पर यात्रा ना करें। कहाँ जा रहे हो? प्रेमा के घर। किसके यहाँ? प्रेमा के घर। इधर तो देख रहे बाबा, दाल दिखाओ उस पर। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इधर छोटे वाले साढ़ू के पास घूमने जाने की ऐसे मेरी प्लानिंग थी नहीं, पर अचानक में हमने प्लान चेंज करा और हम लोग रांची से निकल चुके हैं और रांची से ये झालदा जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली बीच का रास्ता कंप्लीट कह सकते हैं जंगल, कंप्लीट जंगल इस टाइप का सीन आपको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से जब से हमने रांची से नामकुम के आसपास का एरिया क्रॉस करा कुछ ही किलोमीटर के बाद यहाँ पे कंप्लीट जंगल का रास्ता है। यहाँ पे सीन है, मौसम भी बिल्कुल ठंडा हो रखा है, हल्की तेज हवा है, बदमाश। मेरे साथ ये लोकल ट्रेन है, एक्चुअली लोकल ट्रेन है, यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, तो हमने लोकल ट्रेन से जाना पसंद करा क्योंकि हम लोग मजले वाले साढ़ू और मैं लक होटल चार और तीन बच्चे, तो हमने सोचा कि ट्रेन में ही आराम से हवा खाते ही, बस से थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। हाँ, बस से थोड़ा सा आसान होता है ट्रेन वाला, तो हमने प्रीफर करा लोकल ट्रेन ही सही, आराम से बैठ के मस्त ठंडी हवा। अपडेट करते रहेंगे, ऐसा तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, पर यस ये है कि ऐसा भी झारखंड का जो कितना परसेंटेज इतना तो एग्जैक्ट नहीं पता, पर मैक्सिमम जो एरिया जंगल से ही भरा पड़ा है, यहाँ पे ग्रीनरी मस्त ठंडा मौसम। सो अपडेट करेंगे यहाँ से, लेट्स सी कितने देर में पहुँचते हैं। और ये दामोदर नदी है, दामोदर नदी आपने सुना होगा, जब आप भूगोल वगैरह पढ़ते होंगे तो डेफिनेटली आपने सुना होगा, इसका जो सोर्स है छोटा नागपुर एरिया से निकलता है और इसको जो रिवर ऑफ सोरो भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो फ्लड है, इनका जो बाढ़ है, जो बाढ़ की वजह से संभव प्रभावित होते हैं, जैसे वर्धमान, हुगली, हावड़ा और मेदिनीपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं इस नदी के जो बाढ़ से। वही है दामोदर नदी, आपने सुना होगा डेफिनेटली, और नहीं सुना हो तो इसका गूगल कर सकते हैं। पहाड़ है इसमें बड़ा, बिल्कुल सीधा, इसमें बिल्कुल नहीं चढ़ने लायक है, देखिए बिल्कुल सीधा पहाड़, इसमें बिल्कुल चढ़ा नहीं जा सकता इधर से। हाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, बिल्कुल एक पत्थर जैसे है, अजीब सा टीला। जो जंगल के बीच बीच में छोटे छोटे कई स्टेशन्स भी हैं और यहाँ पे आपको साल पेड़ मिलेगा, यहाँ पे इस लोकल एरिया में सरई का पेड़ बोलते हैं और हिंदी में शाल का पेड़ बोलते हैं, और ये बहुत ही एक झारखंड के एरिया के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट पेड़ होता है, इससे कई कल्चरल संस्कृति जुड़ा हुआ है, कई यहाँ इस एरिया में शादी के लिए भी इसी पेड़ का यूज करते हैं, मंडप वगैरह के लिए, और पहले ज़माने में भी इसका जो लोग कहते थे कि इसका जो फल या फूल वगैरह लोग पका के खाते थे, उस टाइम पे जहाँ पे अकाल हुआ करता था, तो जंगल झाड़ के एरिया के लोग इसके भी फल और भी अनेक तरीके के पेड़ का लोग यूज़ करते थे, जो फल फ्रूट्स वगैरह जब अकाल पड़ जाता तो जंगल झाड़ में रहकर के लोग इसी तरीके कुछ ना कुछ फ्रूट्स को पता नहीं, फल को फूल को खा करके जीवन यापन करते थे इधर के जो आदिवासी लोग जो हैं। सो ये और ये जो पेड़ आपको झारखंड के हर जंगल में मिलेगा और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और घना मिलेगा और इसको संरक्षित भी करते हैं, इसको जनरली नहीं काटा जाता है। सो यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ से हम निकल रहे हैं, झालदा अपने छोटे वाले साड़ू के पास आए थे, तो इनका मस्ती है, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, तो इनको नए कपड़े मिले, अब यहाँ से लोग
खुश है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, वापस रांची जाने वाले हैं अपनी बड़ी दीदी के पास। तो नए नए कपड़े इनको मिले, खुश है। तो थोड़ी देर में निकलेंगे हम रांची के लिए। सो हमारे रांची से झालदा, ये जो झालदा वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यहाँ का सफ़र विजिट यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो और किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।